स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृता मनवानी। अमृता मनवानी की मतलब कि मैं, मेरा नाम अमृता। ठीक है, तो आज हुआ ये कि मैं आज अपना पेडिक्योर करने वाली थी, तो मैंने सोचा साथ में एक वीडियो भी शूट कर लेते हैं, मेरी वीडियो भी बन जाएंगी और लगे हाथ मेरा पेडिक्योर भी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नहीं नहीं, ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते, अभी ऐसे कैसे स्टार्ट करें, पहले सब्सक्राइब तो कर लो भैया। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और अभी आपने एक बार भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, मतलब कि एक बार ही सब्सक्राइब करना होता है, अगर आपने नहीं करा है सब्सक्राइब, तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ली, जिससे कि आपको मेरी और अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब में एक वो घंटी बनी होगी, घंटी में ऐसा होएगा, तो उसको ऐसे टच कर देना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है क्लिंजिंग। क्लिंजिंग के लिए हमें हमारी यहाँ पे नेल पेंट रिमूव करनी है, और उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नेल पॉलिश रिमूवर पैच। मैं इससे अच्छे से अपनी नेल पॉलिश रिमूव कर दूंगी। बहुत से लोग होते हैं कि ये स्टेप स्किप कर देते हैं, बट हमें स्किप नहीं करना है। बट अगर आपके नेल पेंट नहीं लगी हुई है, आपके पैर बिल्कुल, आपके नेल्स बिल्कुल क्लीन है, तो आपको ये स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली नेल पेंट ही नहीं होगी तो आप क्या रिमूव करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे नेल्स अच्छे से साफ हो चुके हैं। उसके बाद मैं नेल कटर से अपने एक्स्ट्रा नेल्स हटा दूंगी, अपने एक्स्ट्रा नेल्स कट कर दूंगी। मेरे थंबनेल्स में कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, मतलब ये ज़्यादा बड़ा नहीं था मेरा थंबनेल, तो मैं उसको कुछ नहीं करूंगी। बाकी जो भी मेरे नेल्स एक्स्ट्रा हैं उनको कट कर लूंगी प्यार से, जिससे कि मुझे लगे वगे ना। आप भी ध्यान से ही करेगा, आपके भी पैरों को लगे ना। आप देख सकते हैं मैंने अपने एक्स्ट्रा नेल्स कट कर लिए हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। उसके बाद आप फाइलर से अपने नेल्स को सेट कर लीजिएगा। एक्चुअली मेरा फाइलर मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैं नेल कटर के पीछे वाले फाइलर से ही अपने नेल्स को सेट कर रही हूँ। आप कोई भी शेप देख सकते हो, स्क्वायर, सर्कल वगैरह, जो आपको पसंद हो। तो मैं भी अपने अकॉर्डिंग अपने नेल्स को सेट कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे नेल्स अच्छे से सेट हो चुके हैं। उसके बाद बारी आती है मेरे फेवरेट स्टेप की, मुझे करना बहुत पसंद है। मैं एक बोल में 2 टेबलस्पून नमक, सॉल्ट और 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा ले लूँगी, और उसको गर्म पानी में डाल दूँगी। पानी उतना ही गर्म हो जिसमें आप अपने पैर अच्छे से डाल सके, ऐसा ना हो कि आपको बहुत जलने वलने लगे। तो पानी नॉर्मल टेम्परेचर पर, ज़्यादा गर्म ना हो, ज़्यादा ठंडा भी ना हो। उसके बाद मैं उसमें एक लेमन स्क्वीज करके डालूँगी, लेमन जूस डालना है आपको एक। उसके बाद आपको अपना फेवरेट शैम्पू लेना है, कोई भी शैम्पू ले सकते हैं। मैं यहाँ पे डव शैम्पू यूज़ कर रही हूँ अपना फेवरेट, और उसके 2 से 3 चम्मच डाल देने हैं आपको, 3 चम्मच डालेगा ज़्यादा बेटर रहेगा, और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद आपको अपने पैर्स में डाल देने हैं 15 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए ही डालने हैं आपको अपने पैर्स में, फुल रिलैक्स हो जाना है। और जब 10 से 15 मिनट हो जाए, हमें हमारे पैर बाहर निकाल लेने हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्क्रब। स्क्रब के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ VLCC का पेडिक्लो हैंड एंड फुट स्क्रब। बट अगर आपके पास ऐसा कुछ भी स्क्रब नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, एक हाफ टमाटो लेना है, उसमें शुगर डालनी है, हनी डालना है, और अपने पैरों पे अच्छे से स्क्रब करना है। शुगर जो होती है वो हमारा नेचुरल स्क्रब का काम करती है, और टमाटो हमारा नेचुरली ब्लीच होता है, हमारी जो भी टैनिंग वगैरह है, डार्क स्पॉट्स है, उसको रिमूव करने के लिए बहुत सही रहेगा। अगर आपके पास ऐसा कोई भी स्क्रब नहीं है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे पास था तो मैं यही वाला स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। और अपने पैरों पे अच्छे से स्क्रब कर देना है, पीछे नेल्स वगैरह पे, क्यूटिकल्स पे, और जो भी पीछे एड़ी वगैरह है, हर जगह पे अच्छे से स्क्रब कर देना है। 10 से 15 मिनट के लिए नहीं, 5-10 मिनट के लिए आपको स्क्रब करना है। 10-15 मिनट, ऐसे ही 10 मिनट के आसपास ही आपको स्क्रब करना है। आप देख सकते हैं मैं कैसे स्क्रब कर रही हूँ अच्छी तरीके से, नेल्स वगैरह पे, फिंगर्स पे, दोनों पैर पे अच्छे से स्क्रब कर लेना है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है फुट पैक। फुट पैक के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 2-3 चम्मच दही, मतलब कि कर्ड, और उसमें मैं थोड़ा सा बेसन मिला दूँगी, जिससे कि एक बहुत सही सा पेस्ट बन जाए, और उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल आपको ऐसा ही बनाना है,
और उसको अच्छे से अपने पैरों में लगा लेना है। अगर आपके पास और कोई फुटपाक वगैरह रखा हो तो आप वो भी लगा सकते हैं, बट मेरे पास नहीं था इसलिए मैं यही यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल नेचुरल वाला। आपने सुना होगा कि जो दही वगैरह होता है, मलाई वगैरह होती है, नेचुरली हमारे स्किन को गोरा करने में हेल्प करती है, और बेसन है वो एक नेचुरल क्लिंजर का काम करता है। जो भी हमारा कुछ भी दाग धब्बा वगैरह पड़ जाता है पैर पे, कुछ भी निशान, तो उसको रिमूव करने के लिए अच्छा रहेगा ये। प्लस ठंडा दही ठंडी ठंडी होती है, लगाने में मज़ा भी आएगा। हर जगह अच्छे से लगा लीजिएगा, जो भी हमारी एड़ी वेड़ी है, आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से बिल्कुल लगा दिया अपने पैरों में। उसके बाद हमें वेट करना है 10 से 15 मिनट का, जब तक ये सूख जाए, और जब ये सूख जाए तब आपको उसको पानी में डाल देना है, जो टप में हमारा पानी था उसी पानी में डाल देना है। 10 से 15 मिनट के लिए आपको अपने पैर उसी टब में रखने हैं। आप देख सकते हैं कि वो पैक अपने आप हट रहा है, अगर ना हट रहा हो तो आप उसको हाथ से भी रिमूव कर सकते हैं। 10 मिनट बाद आपको अपने पैर निकाल लेने हैं और साफ पानी से अपने पैर धो देने हैं, बिकॉज वो वाला टब वाला पानी गंदा हो गया था, तो आपको अपने पैर साफ पानी से धोने पड़ेंगे और उसको एक साफ टॉवल से पोंछ दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइज। मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ निविया सॉफ्ट क्रीम। आपको कोई भी हेवी क्रीम लेनी है, मतलब कि जो थिक क्रीम होती है, जैसे कि पता होगा निविया है वो थोड़ी सी थिक क्रीम होती है, इसलिए मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। आप कोई और क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, और मैं उस क्रीम को अच्छे से अपने पैरों पे लगा दूंगी, नेल्स वगैरह पे, हर जगह पे अच्छे से लगा दूंगी और अपने पैरों पे अच्छे से मसाज कर दूंगी। आप देख सकते हैं मैं कैसे मसाज कर रही हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि और अच्छा रिजल्ट हो तो आप अपनी कोई भी क्रीम में क्या कहते हैं विटामिन ई की कैप्सूल भी मिक्स करके लगा सकते हैं, वो और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो मैंने अपने पैरों में अच्छे से क्रीम लगा दी है। अब हमारा फेवरेट स्टेप, मेरा फेवरेट स्टेप नेल पेंट लगाना, मुझे नेल पेंट लगाना बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ LA18 की रेड कलर की नेल पेंट, और मैं अपने पैरों पे, अपने नेल्स पे इसको अच्छे से लगा दूंगी। ध्यान रखिए कहीं पे फैले ना। एक्चुअली पता ही हो ना, रेड नेल पेंट अपने पैरों पर बहुत अच्छी लगती है, मुझे रेड नेल पेंट लगाना बहुत पसंद है, हमेशा रेड नेल पेंट लगाती हूँ मैं। तो आपको जो भी आपकी फेवरेट हो आप वो लगा सकते हैं, किसी की ब्लैक होती है, किसी की सिल्वर होती है, तो आपकी जो भी फेवरेट हो आप वो लगा सकते हैं। मुझे रेड पसंद है इसलिए मैं रेड लगा रही हूँ, दोनों पैर पे अच्छे से लगा लेनी है, और बस हो गया हमारा पेडीक्योर खत्म, मस्त बिल्कुल। थोड़ा सा ऐसा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए मैं बिल्कुल माफ़ी चाहूँगी आपसे। सकते मेरे पैरों में नेल पेंट लग चुकी है और वो कितनी अच्छी लग रही है। ठीक है, तो मेरा पेडिक्योर हो चुका है और आप देख सकते हैं मेरे पैर कितने सुंदर लग रहे हैं, मतलब कि मुझे खुद को इतने अच्छे लग रहे हैं अपने पैर, नजर ना लगे भाई। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो, मज़ा आया हो आपको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों ने मेरी वीडियो को इतना लाइक करा है। ठीक है, और हाँ एक और चीज़, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे, सोशल मीडिया साइट्स पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे कि आप लोग मुझे फॉलो कर सकेंगे, आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। तो ठीक है, बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।